और तुर्की से ही एक बहुत सुखद तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें तुर्की की एक महिला भारत की एक आर्मी अफसर को गले लगाती हुई दिख रही है। दरअसल भूकंप की मार झेल रहे तुर्की में भारतीय मिशन भी राहत और बचाव कार्य में जुटा है और ऑपरेशन दोस्त के तहत भारतीय सेना ने फील्ड अस्पताल बनाया है। इस फील्ड अस्पताल में भारतीय सेना के मेडिकल कोर की मेजर बीना तिवारी भी है। मेजर बीना की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। इस तस्वीर में बुर्का पहने तुर्की की एक महिला मेजर बीना तिवारी को गले लगा रही है और शुक्रिया अदा कर रही है। मेजर बीना तिवारी आगरा के 60 पैरा फील्ड अस्पताल की एम्बुलेंस अफसर है। इस बीच उत्तर अमेरिकी देश मेक्सिको में एक ट्रक बेकाबू होकर नदी में गिर गया। इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। हालांकि हादसे की वजह का पता नहीं चल पाया। आशंका है कि ट्रक में शरणार्थी सवार थे जो चोरी छिपे अमेरिका में दाखिल होना चाहते थे लेकिन हादसे का शिकार हो गए। उधर दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट के जरिए जासूसी मामले में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सचिवालय की तरफ जाने की कोशिश की लेकिन दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें आईटीओ चौराहे के पास ही रोक दिया। इसके बाद तो बीजेपी के कुछ नेता बैरिकेड पर ही चढ़ गए और केजरीवाल के विरोध में नारेबाजी करने लगे। केजरीवाल हाय हाय। इसी मुद्दे पर सीएम आवास के बाहर भी बीजेपी ने धरना दिया। बीजेपी के लीडरों की आप जासूसी कराओगे। दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट पर आम आदमी पार्टी के लिए जासूसी करने का आरोप है। इसी मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने के लिए एलजी से मंजूरी मांगी। इस खबर के सामने आते ही बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और आज से लखनऊ में शुरू होगी यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी समेत 300 से ज्यादा दिग्गज उद्योगपति इसमें शामिल होने जा रहे हैं। आज से यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आगाज होने जा रहा है। लखनऊ से इसकी शुरुआत होगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका उद्घाटन करेंगे। लखनऊ में शुरू हो रहा है निवेश मेला। जी हां, 10 फरवरी से 12 फरवरी तक आयोजित होने वाले यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में देश और दुनिया के दिग्गज शामिल होंगे। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उद्देश्य है यूपी को 1 ट्रिलियन के इकोनॉमी बनाना। कार्यक्रम के लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश को नए भारत का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव, जी किशन रेड्डी, स्मृति ईरानी, पशुपति कुमार पारस, राजकुमार सिंह, आर के सिंह मौजूद होंगे। इस सम्मेलन से यूपी सरकार को 25 लाख करोड़ तक के निवेश एमओयू साइन होने की उम्मीद है। इसके लिए देश और दुनिया के उद्योग जगत की नामचीन हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मुकेश अंबानी सहित 300 से ज्यादा उद्यमी शामिल होंगे। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में जापान, जर्मनी, थाईलैंड, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, कनाडा, अर्जेंटीना के प्रतिनिधि भी शिरकत करेंगे जबकि विदेशी कंपनियों में सबसे ज्यादा अमेरिका की 53 कंपनियां आने वाली हैं।